students, how are you all? I hope you all are healthy at your home. Your fourth chapter has completed, so let's start chapter number 5. Your chapter number 5 is We Help One Another. Today we are going to start chapter number 5. So let's start. Your fourth chapter kya tha aapka? Last chapter kya tha? My family. What is a family? Humne padha tha na family kya hoti hai? Family is a group of people living together. This is family. तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप होता है लोगों का, वो एक साथ रहते हैं. तो वो एक साथ रहते हैं, अगर यदि वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो वो हैप्पी रह सकते हैं नहीं ना? तो इसीलिए फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तभी वो क्या रह सकते हैं? हैप्पी. अदरवाइज अगर वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो सब क्या रहेंगे? सैड रहेंगे. और मम्मी बहुत पजल हो जाएगी, पापा बहुत हो जाएंगे. तो आप सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, ठीक है? जैसे मम्मा खाना बनाती है आपके लिए, मम्मा आपकी स्टडी में हेल्प करती है, मम्मा आपको स्कूल से लाना ले जाने का काम करती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं. मम्मी आपकी टेक केयर करती है, बहुत सारे काम होते हैं जो मम्मा आपकी मम्मा करती है. बट आपको भी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. करते हैं आप मम्मा की हेल्प? नहीं करते हैं तो करना चाहिए. अब करेंगे, आप करेंगे ना? मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. मम्मा की हेल्प कैसे करेंगे आप? जैसे आपका जो भी सामान होता है, आपकी जो भी थिंग्स होती हैं आपका, जैसे स्कूल का बैग है, स्कूल की यूनिफॉर्म है, आपका टिफिन है, बॉटल है, आपके टॉयज हैं, कोई भी आपकी जो भी आपकी थिंक है, आपको उसको क्या करना चाहिए? उसे अपने प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. सबसे बड़ा काम आपका यही होता है कि आपको अपनी थिंग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. ओके, फर्स्ट. सेकंड, आपको आपकी मम्मा की किचन में हेल्प करनी चाहिए. जैसे आपको अपने बर्तन वगैरह, या आपको मम्मा को आपकी जो डाइनिंग टेबल होती है उस पर टेबल्स पे बर्तन लगाना, या मम्मा की हेल्प करना सब्जी कटिंग से, मम्मा की हेल्प करना वॉश करना, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें आप मम्मा की हेल्प कर सकते हैं. पापा का काम क्या होता है? पापा का काम केवल ऑफिस जाना होता है? नहीं ना, पापा को भी मम्मा की हेल्प करनी चाहिए. लाइक मार्केट से वेजिटेबल्स लाने में, फ्रूट्स लाने में, पापा को भी अपना सामान प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए. आप अपने पापा को बोलेंगे कि पापा अपना सामान प्रॉपर प्लेस पे रखो, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा काम यही होता है कि आप अपनी थिंग्स को प्रॉपर प्लेस पे रखें और अपने घर को कैसा रखें? नीट एंड क्लीन. आपके घर में जो भी आपके गार्बेज होता है, जो भी कचरा आप फैलाते हैं, तो उसको अपने डस्टबिन में डालना चाहिए और अपने रूम को क्लीन रखना चाहिए. गार्डन में आप हेल्प कर सकते हैं, गार्डनिंग में. और आपके पापा जैसे कार वगैरह वॉश करते हैं, तो आपको अपने पापा की भी हेल्प करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको अपनी मम्मा की ही हेल्प करनी चाहिए, आपको अपने पापा की भी हेल्प करनी चाहिए. इस तरह से अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप कैसे क्या रह पाएंगे? हैप्पी. इस चैप्टर में यही है. चैप्टर का नाम क्या है? वी हेल्प वन अनादर. जैसे देखो मम्मा, ये आपका चैप्टर है, इसमें आपके पापा हैं, आप डॉक्टर हैं, मम्मा ऑफिसर है, मतलब ऑफिस में वर्क करती हैं, तो फिर भी मम्मा खाना भी बनाती है, आपको पढ़ाती भी है. उसके अलावा मम्मा आपको सुलाने में, मतलब आपकी जैसे कोई आप बीमार हो या आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपकी केयर करती है मम्मा. उसके अलावा पापा वेजिटेबल्स लाते हैं मार्केट से, जो भी मार्केट का सामान होता है वो पापा लेकर आते हैं. आपकी दादी आपको, या दादी दादा जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आपको स्टोरी सुनाते हैं, आपको बाहर घूमने ले जाते हैं. ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स वर्क करते हैं. आप बच्चे आपकी मम्मा के किचन में हेल्प करते हैं. उसके अलावा अपने रूम को क्लीन रखते हैं, पापा के
कार वॉश में हेल्प करते हैं। तो ये सब ही छोटे छोटे काम होते हैं जिसको करके हम अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं, मम्मा की हेल्प करते हैं, पापा की हेल्प करते हैं, दादी की हेल्प करते हैं, और इस तरह से हम कैसे रहते हैं, हैप्पी। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5। टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज, टुडे वी आर डूइंग न्यू वर्ड्स, सॉरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम चैप्टर में क्या करते हैं, न्यू वर्ड्स। जो भी इस चैप्टर में हार्ड वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स आए हैं, आज हम उन्हीं न्यू वर्ड्स को करेंगे। ओके, लुक एट द बोर्ड, मेंशन द डेट, चैप्टर नंबर 5, राइट चैप्टर नेम, वी हेल्प वन अनदर, क्लास वर्क, न्यू वर्ड्स। फर्स्ट हैप्पी, HAPPY, happy। नंबर 2, DOCTOR, डॉक्टर। नंबर 3, हॉस्पिटल, HOSPITAL, हॉस्पिटल। नंबर 4, OFFICE, ऑफिस। नंबर 5, COOKS, कुक्स। नंबर 6, MARKET, मार्केट। नंबर 7, PROTECT, प्रोटेक्ट। नंबर 8, INTEREST, इंटरेस्टिंग। नंबर 9, STORIES, स्टोरीज। नंबर 10, PROPER, प्रॉपर। प्लेस, PLACE, प्लेस, प्रॉपर प्लेस। ओके, दिस इज योर क्लास वर्क। होमवर्क में क्या करना है आपको, लर्न न्यू वर्ड्स ऑफ चैप्टर 5। आपको ओनली लर्न करने हैं न्यू वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट प्रॉपरली, देन लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।